चौथा स्तंभ जो बाबा साहब ने मीडिया का बनाया था, उसका एक उद्देश्य था कि मीडिया आपके द्वार तक पहुंचे, मीडिया जरूरतमंद आदमी तक पहुंचे, संविधान की सारी जितने भी लाभ हैं वो आखिरे आदमी तक पहुंचे जो अधिकतर बहुजन है। ना तो संविधान का कोई फ़ायदा हम तक पहुंचा और ना ही मीडिया पहुंचा। ये पूरे विश्व की, भारत की आज का पहल पहली ऐतिहासिक है। आप इसको 30 साल बाद, 40 साल बाद जब आप नोट करेंगे, देखेंगे, इस फोटो को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन ये भारत के मेन 11 लोग जो यहाँ हैं, इन्होंने संविधान के चौथे स्तंभ की पहली भूमिका निभाई और वो आम आदमी तक पहुँचा, पार्क में पहुँचा और गली में पहुँचा। ये जो पहल ओपन टॉक की है, ये बाबा साहब का सपना रहा है, दुनिया ने बाबा साहब के सपने को फॉलो किया है। आज बहुजन मीडिया ने बाबा साहब के उस सपने को पार्क में और इस पर सड़क पे उतार के बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। ये ओपन टॉक का जो काम है, जो डोर स्टेप पे पहुंचेगा, ये देश की गली गली में पहुंचेगा, क्योंकि हमारा मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मीडिया में यहाँ जितने भी लोग आए उन्होंने इस बात को समझा। 26 नवंबर राष्ट्र का कार्यक्रम है, ये बहुजनों का कार्यक्रम नहीं है, ये अल्पसंख्यकों का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे देश का कार्यक्रम है। जिन लोगों ने इसको बहुत छोटा बना दिया और जिन लोगों ने सिर्फ इसको SC ST तक सीमित कर दिया, जो लोग इसको राष्ट्रीय नहीं मानते, वो अपने आप को सोचें कि वो भारतीय हैं या नहीं, वो राष्ट्रीय हैं या नहीं, वो देशभक्त हैं या नहीं। क्योंकि संविधान दिवस को मनाने के लिए अगर आप इंटरनेट उठाएंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया के सभी देशों में इस देश को, इस उत्सव को मनाया जाता है। कहीं इसको सिटीजनशिप डे के नाम से, कहीं फेडरल डे के नाम से, कहीं इसको संविधान दिवस के नाम से, कहीं लीगल दिवस के नाम से, कहीं इसको रिपब्लिक डे के नाम से, कहीं इसको बर्थ के, न्यू बर्थ के नाम से, नेशनल बर्थ के नाम से मनाया जाता है। और अधिकतर देशों में इस दिन छुट्टी भी होती है और लोग इसको खूब एंजॉय करते हैं। भारत देश में जो चीज़ बाबा साहब से जुड़ गई उसकी ना तो छुट्टी होती है, ना उसको मनाया जाता है, ना उस पर कोई संज्ञान देता है। जो 85% भारत के लोग हैं वही इसको संज्ञान देते हैं। और 26 तारीख को जो दूर दूर से लोग इसको मना रहे हैं और जो एक सैलाब सा आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से लगातार 26 नवंबर के कार्यक्रम पूरे देश में मनने शुरू हो गए और पिछली बार लगभग 2000 से ज़्यादा कार्यक्रम हमारे संज्ञान में हैं जो लगे, और इस बार लगभग 3500 जो कार्यक्रम हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है और कार्यक्रम हो भी चुके हैं। तो संविधान दिवस जितनी तेज़ी से मन रहा है, संविधान भी उतनी तेज़ी से मजबूत हो रहा है और मीडिया हमारा जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको फैला रहा है। ये वो दिन दूर नहीं है जब संविधान यहाँ लागू होगा। संविधान को जो लोग ये कहते हैं कि संविधान एक छोटी चीज़ है, वो ये मान के देखें कि वो संविधान के तहत में काम करते हैं, संविधान के तहत में चलते हैं, और ये बहुत मूल और बड़े लोगों का उत्सव है, इसको मनाना चाहिए राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और घर पे जरूर मनाना चाहिए। घर पे सब लोग इस पे मोमबत्ती जलाएं, एक दूसरे को मिठाई खाएं, ग्रीटिंग कार्ड दें, ग्रीटिंग्स भेजें, एक दूसरे को हैप्पी संविधान दिवस बोलें, हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलें, और इसको फ्लोरिश करें, क्योंकि जिन लोगों ने दिवाली नहीं मनाई है, ये उनका दिवाली से भी बड़ा त्यौहार है। धन्यवाद।